प्रश्न और तीन संख्या पूरे तीन वर्ट की परिधि और क्षेत्रफल और वर्ट की परिधि और क्षेत्रफल 15.1 और 2 हमने पूरी कर ली। 15.1 और 2 में तो वर्ट की परिधि, वर्ट का क्षेत्रफल, केंद्रीय वर्ट के क्षेत्रफल के साथ आप तिरछे खंड का क्षेत्रफल, वर्ट खंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई। अब इसके बाद 15.3 है, 15.3 में था छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना और छायांकित भाग के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हमने 4 सवाल कर लिए थे। अब प्रश्न नंबर 5 है और प्रश्न नंबर 5 में दे रखा है एक वृत्ताकार क्या है, पार्क है, एक वृत्ताकार पार्क है और जिसकी लंबाई तिरछे खंड की 3.5। एक वृत्ताकार पार्क है और उस वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.56। अब पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। इस वृत्ताकार भाग के चारों तरफ एक फुटपाथ है और इस फुटपाथ की चौड़ाई दे रखी है 1.4 मीटर। आप देखो ये हो गया सेकेंडरी वर्ट, कौन सा हो गया सेकेंडरी वर्ट, और सेकेंडरी वर्ट का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, या तो क्षेत्रफल लगा लो या छायांकित भाग के हिसाब से ज्ञात करो। तो छायांकित भाग के हिसाब से बड़े वाले वर्ट में छोटे वाले वर्ट का क्षेत्रफल लगा दो। पहले तो निकालो बड़े वाले वर्ट का, फिर निकालो छोटे वाले वर्ट का क्षेत्रफल, और बड़े वाले वर्ट के क्षेत्रफल में छोटे वाले वर्ट का क्षेत्रफल घटाएंगे तो क्या आ जाएगा फुटपाथ का क्षेत्रफल। तो देखो क्या करेंगे, यह सेकेंडरी वर्ट और सेकेंडरी वर्ट में त्रिज्या होती है 2। त्रिज्या मान के याद करते हैं कि केंद्र से लेकर परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो इसमें 2 त्रिज्या आएगी, एक केंद्र से लेकर जो आंतरिक वर्ट है वहां तक और एक केंद्र से लेकर जो बाहरी वर्ट परिधि वहां तक, 2 त्रिज्या। एक को हम R1 नाम दे देंगे और एक को R2 नाम दे देंगे। तो लिखो आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या इसको नाम दिया R, कितनी है हीरा केंद्र, केंद्र से परिधि ओ तक की 3.5 इकाई है 6। अब बाहरी वर्ट की त्रिज्या लिखनी, तो बाहरी वर्ट की त्रिज्या नाम दिया R। अब बाहरी वर्ट की त्रिज्या कहां से कहां तक होगी, इस केंद्र से लेकर यहां तक, तो इस केंद्र से लेकर यहां तक की है तो होगी 3.5, 3.5 तो होगी यहां तक। अब ये दूरी होगी इसका मान जाएगा 1.46, तो कितना हो गया 4.96। ये तो आ गया दोनों त्रिज्याओं का मान। आप देखो सेकेंडरी वर्ट है तो सेकेंडरी वर्ट का क्षेत्रफल आएगा और सेकेंडरी वर्ट के क्षेत्रफल में क्या होता है, बाहरी वर्ट में से आंतरिक वर्ट घटाया हुआ होता है। तो क्या लिखेंगे, या तो फुटपाथ का क्षेत्रफल लिख लो या सेकेंडरी वर्ट का क्षेत्रफल, फुटपाथ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, बाहरी वर्ट है उसमें से आंतरिक वर्ट का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो देखो पाई का आर है कॉमन, आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर। आगे देखो पाई का मान तो हो गया 22/7। आगे हल करो आर टू कौन सी है बाहरी त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या मान है कितना 4.96, तो यहाँ लिखो 4.96। ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगेंगे माइनस, आगे लिखा हुआ है R1 का स्क्वायर, R1 का मान कितना है
3.5, तो 3.5 का स्क्वायर। आगे लो तो 22/7। आगे हल करोगे तो एक तरीका तो ये है कि इसका स्क्वायर कर लो और इसका स्क्वायर करो, दोनों के हटो बाकी। एक तरीका और है, इसको तो मान लो ए और इसको मान लो बी, तो ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो 4.9 + 3.5 ये तो होगी ए प्लस बी। अब लिखो ए माइनस बी, तो 4.9 + 3.5 आ गया करो। तो 22/7 इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है तो जोड़ो 9, 5, 14 4, 3, 7, 8 आगे इनकी बाकी भी नहीं गलती होगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इनकी बाकी भी नहीं। 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 गया 1 और यहां गुणा निशान। आगे ये कट रहा है 0.2 बार। आगे अलग रहो तो बच गए 22 × 8.4 × 0.2। अब इन तीनों संख्याओं को क्या करना है अपने को, गुणा। तो गुणा करो 22 × 44 तो कितना आएगा 4.2। इन दोनों संख्या गुणा करेंगे और इनको गुणा करना है 8.4। तो 4.4 को 8.4 से गुणा करना है तो कितना आएगा, 4.9 को 8.4 से गुणा करेंगे छत्तीस पॉइंट 9 6 और इकाई है सेमी, तो सेमी स्क्वायर आ गया। ये आ गया जो सेकेंडरी रोड का क्षेत्रफल, या ये बोल दो ये आ गया इस फुटपाथ का क्षेत्रफल। बाहरी वृत्त से आंतरिक वृत्त घटा दिए, तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल यानी आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये संयुक्त भाग आएगा। संयुक्त भाग कौन सा था, ये फुटपाथ का जो ये आप, हाँ आप प्रश्न नंबर 6 में एक 8 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त दे रखा है, तो हल करो। तो एक 8 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त दे रखा है, एक वृत्त इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेमी। आगे एक वृत्त के अंतर्गत यानी इसके अंदर खींचे जा सकने वाले वर्ग, यानी क्या बनाना है वर्ग के अंदर अपने को एक वर्ग बनाना है, तो ये रख लिया आपने, ये बना लिया आपने वर्ग। यह दिख रहा था आयत के समान, लेकिन वर्ग है, वर्ग मान लो इसको वर्ग है, और वर्ग की चार ऊर्जा क्या होती है समान, तो नाम लिखो ए बी सी डी और ये वर्ग का केंद्र और मान। तो वर्ग की चार ऊर्जा समान होती है, तो वर्ग की ऊर्जा मान ली कितनी, 8 सेमी। वर्ग की ऊर्जा कितनी मान ली, 8 सेमी। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स और ये भी 8 सेमी। अब इसकी त्रिज्या दे रखी है और अपने को वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अपने पास वर्ग भुजा है नहीं, तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है।
तो देखो तो अपने पास एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, यानी ये आठ है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी ये भी आठ है, और ये हो गया वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण कितना आ गया अपने पास, आठ और आठ है 16 सेमी आ गया। अब वर्ग के विकर्ण से अपने को भुजा ज्ञात करनी है, तो इसका एक तरीका तो है कि सीधा क्या कर लो, वर्ग के विकर्ण का सूत्र लगा लो। वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है अंडरूट 2 × भुजा। और यह दूसरा तरीका है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा भुजा का मान ज्ञात कर सकते हो। तो मैं सीधा ही सूत्र के द्वारा करूं, तो वर्ग का विकर्ण बराबर अंडरूट 2 × भुजा या भुजा इंटू अंडरूट 2। तो वर्ग का विकर्ण तो देख कर कितना 16 सेमी। आगे अंडरूट 2 × भुजा का मान ज्ञात करने के दे नहीं रखा, तो भुजा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये अंडरूट 2 गुणा में इस तरफ लेके आएंगे तो पार। तो देखो 16/√2 बराबर किसका मान आ गया, भुजा का, यानी भुजा का मान आ गया 16/√2। अब हर में अंडरूट की संख्या आ गई, तो क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हर के परिमेयकरण अंडरूट 2 को अंश व हर से क्या करेंगे गुणा, कितने आएंगे, तो भुजा आएगी 16/√2 और अंडरूट 2 को अंडरूट 2 से गुणा करने पर आएगा 2, काटो भुजा कितनी आएगी 8/√2। भुजा का मान तो अपने पास प्राप्त हो गया, वर्ग की भुजा आ गई 8/√2। अब भुजा आ गई तो इसका क्षेत्रफल भी याद कर सकते हैं, तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा इंटू भुजा, या ये बोल दो भुजा का स्क्वायर, भुजा दे रही 8/√2, 8/√2 × 8/√2 गुणा करने, 8 को 8 से गुणा किया 64 और अंडरूट 2 को अंडरूट 2 से गुणा किया तो 2, गुणा करने पर 128 सेमी स्क्वायर। तो जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल कितना होगा 128 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो गया। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को एक आकृति बनाई गई है, तो पहले तो वो आकृति बनाएंगे, अब प्रश्न नंबर सात में आकृतियां दे रखी है और छाया निर्वाह का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आकृतियां किसकी दे रखी है, एक तो ABC, ये तो है चतुर्थांश ABC वृत्त का चतुर्थांश है, और इस चतुर्थांश की त्रिज्या अपने को दे रखी है कितनी, 14 सेमी। इस चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 14 सेमी। ये केंद्र है, ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो ए तो वर्ग का चतुर्थांश दे रखा है कौन सा, ABM और C वाला। एक आकृति दिख रही है अपने को इस त्रिभुज की, और त्रिभुज कौन सा है, समकोण। कैसे पता चला कि ये चतुर्थांश से इसका लगे कितना डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री। तो एक त्रिभुज ABC का आधार तो दे रखा है
14 सेमी और ऊंचाई भी कितनी दे रखी है 14 सेमी। दो आकृतियां तो ये आ गई। अब तीसरी आकृति दे रखी है जो बीसी दे रखा अपने बीसी है, इस बीसी को व्यास मानकर और इसके ऊपर ही ये अर्धवृत्त खींचा गया है और अर्धवृत्त के लिए क्या चाहिए अपने को त्रिज्या, और त्रिज्या इस पर इसमें देने की बस इतना ही बोल रखा है कि बीसी व्यास पर अर्धवृत्त है। तीन आकृतियां दे रखी है, एक तो चतुर्थांश की, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा 1/4πr² और आर का मान दे रखा है। दूसरे त्रिभुज की है और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार का मान भी दे रखा और ऊंचाई का मान भी दे रखा है। फिर दे रखा है एक अर्धवृत्त है जो बीसी व्यास पर बना हुआ है, लेकिन इसकी न तो व्यास दे रखी न त्रिज्या दे रखी, तो अपने को मान चाहिए किसका, भुजा बीसी का, क्योंकि भुजा बीसी का मान ज्ञात होगा तभी व्यास आएगा और व्यास का आधा क्या कर लेंगे मैं त्रिज्या। तो बीसी का मान कैसे निकालेंगे, ये जो बीसी भुजा है ये त्रिभुज एबीसी की कर्ण भी है, त्रिभुज एबीसी की कर्ण क्या है बीसी जो क्या है अर्धवृत्त का व्यास, तो क्या ज्ञात करेंगे हम त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करेंगे और समकोण त्रिभुज का कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे पाइथागोरस से परिमेय। तो लिखो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस परिमेय, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस परिमेय क्या होगा, करण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, करण दे रखी है बीसी तो बीसी का स्क्वायर बराबर आधार, आधार दे रखी एसी, एसी का स्क्वायर और लंब है एपी, एपी का स्क्वायर। बीसी का तो मान अपने को ज्ञात करना है, एसी और एबी दोनों को मान कितना देगा 14 सेमी, 14 सेमी दे रहे हैं तो 14 का स्क्वायर प्लस ये भी 14 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो बीसी स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर अपने को पता कितना होता है 196, तो 196 प्लस 196 और इनको हम यदि जोड़ेंगे तो कितना आएगा 392। ये तो आ गया बीसी स्क्वायर का मान, लेकिन अपने को तो बीसी का मान चाहिए तो क्या करेंगे 392 का वर्गमूल, और ये 392 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 14√2 सेमी, 392 का यदि अभाज्य गुणनखंड से क्या करेंगे वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो बीसी का मान आएगा 14√2। बीसी का मतलब अर्धवृत्त का व्यास आ गया, अर्धवृत्त का व्यास कितना आ गया 14√2 सेमी आ गया, तो व्यास आ गया तो त्रिज्या में पता कर सकते हैं कि त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है यानी 2 का भाग देना है और 2 का भाग देंगे कितना आएगा 7√2 सेमी। अर्धवृत्त की त्रिज्या आ गई तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा 1/2πr² आगे 1/2 × π का मान 22/7 इंटू आर, आर का मान है 7√2 × 7√2। इनको हल करेंगे तो ये 7 से 7 कट गया और 2 से 22 कट गया, कितने आगे 11 इंटू
ग्यारह को सात से गुणा करेंगे सतहत्तर, और सतहत्तर को गुणा करेंगे अनरूट दो इंटू अनरूट, अनरूट दो अनरूट दो गुणा करेंगे दो, हल करो तो 154 सेमी स्क्वायर कितना आ गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर, तो इस अर्धवृत्त का तो आ गया। अब त्रिभुज है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार का मान भी कितना है 14 सेमी, ऊंचाई का मान भी कितना है 14 सेमी, तो 14 × 14 कट गए कितनी बार है 2 बार। कितने आएंगे 14 × 28 सेमी स्क्वायर, कितने आएंगे 14 × 28 सेमी स्क्वायर। चलो ये भी आ गया, इन दो आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, अर्धवृत्त का और त्रिभुज का। अब एक आकृति होती है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश एबीएमसी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/4 πr² तो 1/4 π का मान है 22/7 और चतुर्थांश की त्रिज्या दे रखी कितनी 14 सेमी, 14 × 14 आगे देखो कट रहे हैं 2 बार, ये कट रहा है 2 बार, 2 से ये कट रहा है 7 बार, कितना बच गया 22 × 7 और इनको गुणा करेंगे कितना आएगा 154 सेमी स्क्वायर। तीनों आकृतियों का क्या आ गया क्षेत्रफल, क्या ज्ञात करना है अपने को, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये बताया था कि जो बड़ी वाली आकृति है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बताया कि जो बड़ी आकृति है उसमें से क्या किसका क्षेत्रफल कराएंगे, जो खाली आकृति है उसका क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, जो बड़ी वाली आकृति है, अब बड़ी वाली आकृति तो ये पूरी है, इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल, इस पूरी आकृति के क्षेत्रफल में क्या घटाएंगे, जो ये खाली आकृति है इसका क्षेत्रफल। तो अपने को ये तो पता है जो खाली आकृति है ए बी एम सी है तो किसकी है, चतुर्थांश के क्षेत्रफल की है, लेकिन जो जो बड़ी वाली आकृति है जो पूरी वाली आकृति है इसका नाम अपने को नहीं पता, तो इसका क्षेत्रफल कैसे क्या करेंगे, यदि इसको और इसको जोड़ दें, मतलब त्रिभुज को और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जोड़े तो ये पूरी आ जाएगी, पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो किसको जोड़ना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यहां से लेकर यहां तक आ गया, अभी यहां से लेकर यहां तक क्या है बीसी, और बीसी व्यास पर क्या बढ़ा गया था अर्धवृत्त प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये तो आगे बड़ी वाली आकृति या पूरी वाली आकृति। अब पूरी वाली आकृति में किसका क्षेत्रफल घटाते हैं, जो खाली आकृति है, और खाली आकृति क्या है ए बी एम सी, और ये किसका, ये किसकी आकृति है चतुर्थांश की, तो इसमें क्या घटाएंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो देखो एबीसी का क्षेत्रफल, और एबीसी का क्षेत्रफल आया कितना 28, हाँ ये गलत हो गया, फायदा आएगा
और ये आएगा 98, काटे में करते हुए कितना 7। अब देखो एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना 98 प्लस अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कौन सा था, बीसी व्यास वाला, और इसका क्षेत्रफल है 154, 154 माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी कितना है 154। इस 154 से 154 कट गया, क्यों, एक प्लस का और एक माइनस का, कितने बच गए 98 सेमी स्क्वायर। ये आ गया प्रश्न नंबर 7।